कोरोना वायरस के कहर को देखते हुए मंत्री रमेश चंद्र मीणा ने करौली में जिला स्तरीय अधिकारियों की समीक्षात्मक बैठक ली और ये भी कहा कि प्रदेश सरकार की प्राथमिकता है कि इस महामारी में प्रदेश में कोई भी व्यक्ति भूखा न सोए। मंत्री ने अधिकारियों को गली मोहल्लों में सर्वे करवाकर खाद्य सामग्री उपलब्ध करवाने के निर्देश भी दिए। साथ ही जिले में कालाबाजारी, जमाखोरी और MRP से अधिक राशि लेने वालों के खिलाफ अभियान चलाकर सख्त कार्रवाई करने के निर्देश भी दिए। हमारे सरकार के माननीय मुख्यमंत्री अशोक गहलोत साहब, हमारे उप मुख्यमंत्री सचिन पायलट साहब और हमारी पूरी सरकार, हमारे अधिकारी सभी ये चाहते हैं कि भाई ये COVID-19 जो बीमारी है इस पर कैसे अंकुश लगे। और हमारे करौली जिले में तो मदन मोहन जी की कृपा है तो हमारे यहाँ भी कोई प्रॉब्लम नहीं आई है और हम भी ईश्वर से कामना करते हैं कि आएगी भी नहीं। और हमारे अधिकारी कलेक्टर SP साहब के निर्देशन में अच्छा काम कर रहे हैं, अच्छी मॉनिटरिंग है, स्क्रीनिंग की सारी चीज़ों की, राशन की सब की व्यवस्था बिल्कुल ठीक अच्छी है, कोई दिक्कत नहीं है। छोटी मोटी जो प्रॉब्लम है सोशल डिस्टेंस की, तो हम जनता से अपील करना चाहते हैं कि